बस्मिल्मानी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू तो फ्लेवर्स ऑफ आशी किचन आज मैं आप लोगों से मज़ेदार सी शानदार सी बीफ कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूँगी वो भी मेरे स्टाइल में तो सबसे पहले जो है वो एक चम्मच गरम मसाला लेना है चार चम्मच जो है वो चने लेने हैं एक चम्मच खशकाश लेनी है और आधी प्याज लेनी है बारीक स्लाइस में काटनी है और चार से पाँच जवे जो है लहसुन के लेने और एक जो है वो हरी मिर्च लेनी है और एक चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च लेनी है और एक चम्मच नमक खशकाश को सबसे पहले जो है वो भिगो देना है और चनों का जो है वो ग्राइंड कर लेना है पाउडर बना लेना है उसके बाद जो है खशकाश को अच्छी तरह मामा ने जो है वो सिल पे पीस लिया था इसी दौरान किसी ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आल वीडियोज़ को लाइक करें और मम्मा ने जो है वो अच्छी तरह खशकाश को जो है वो सिल पर पीस लिया था उसके बाद मम्मा ने नमक और पीसी हुई लाल मिर्च जो है वो उसमें शामिल करी एक एक चम्मच थे ये दोनों ये कोफ्ते का मसाला मम्मा बना रही हैं जो कीमे में ऐड होगा कोफ्ते बनाने के लिए और इसे अच्छी तरह मम्मा सिल पर पीस लेंगी आपकी मर्ज़ी अगर आप ग्रैंड करना चाहें लेकिन सिल पे पीसने से इसका मज़ा जो है वो दबाला हो जाता है जायका अच्छा आता है अब मम्मा ने जो है वो प्याज और लहसन जो थी वो इसमें शामिल कर लिया था और इसको भी अच्छी तरह बारीक पीसना है ताकि कोफ्ते जो हैं वो यानी कि फटे नहीं गोश्त अच्छे से कोफ्ते बने बारीक सा इसको पीसना है इसलिए सिल पे जो है वो मम्मा पीस रही थी उसके बाद जो है वो मम्मा ने हरी मिर्च इसमें शामिल की थी और एक अदद हरी मिर्च थी जिसे जो है बारीक काट लिया था और मम्मा ने अब इसे पीसा अच्छे से बारीक और फिर मम्मा ने गरम मसाला एक चम्मच गरम मसाला था वो इसमें शामिल किया और जो चनों का जो पाउडर था बना लिया था और वो भी जो है वो मम्मा अब इसमें शामिल करेंगी और अच्छी तरह इसे पीस लेंगी मिक्स कर लेंगी मसाले में चार चम्मच चार चम्मच चनों का पाउडर है वो मम्मा ने इस में ऐड कर लिया और अब इसे भी अच्छी तरह मम्मा मिक्स कर लेंगी आप प्लीज़ ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा आप सबको बहुत पसंद आएगी बहुत गमी से कोफ्ते बनेंगे ये मम्मा ने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया था सारे मसाले को जो आ, कीमे में शामिल होगा मटेरियल बन जाएगा एक बहुत ज़बरदस्त सा और अब जो है वो मम्मा ने इसमें कीमा जो है वो ऐड कर लिया था कीमा जो है मैंने मशीन में निकाल लिया था आधा किलो कीमे के कोफ्ते की रेसिपी है ये और अभी से अच्छे से मम्मा ने जो है वो कीमे को भी इस मसाले में जो है अच्छी तरह मिक्स कर लिया बारीक किस्म बारीक सा कर लिया मम्मा ने कि कोफ्ते जो हैं वो फटे नहीं अच्छा सा बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी खशकाश की और गरम मसाले सब मसालों की माशाल्लाह बहुत खुशबू आ रही थी अब मम्मा ने जो है वो इस सब को मिक्स कर लिया हाथ से अच्छी तरह से बहुत मज़े की यमी से कोफ्ते बनते हैं आप प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मम्मा ने अब जो है वो सब मिक्स करके मसाले और कीमे को अच्छी तरह मिक्स करके इसका डो टाइप बना लिया था और अब जो है वो मम्मा कोफ्ते बना रही थी ऐसे आप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मम्मा कोफ्ते बना रही थी आप लोग भी ऐसे ही बनाएगा बहुत यम्मी से कोफ्ते हैं ओके जी अब फ़ाइनल सारे कोफ्ते जो हैं वो मम्मा ने बना लिए थे और अब जो मेरा काम स्टार्ट होने वाला था तो मैंने जो है वो एक अदद प्याज ले ली थी और जो है इसे यानी कि बारीक नहीं नॉर्मल इसके काट लिया था और एक अदद जो है वो टमाटर ले लिया था इसे भी स्लाइसेस में काट लिया था और नमक मिर्च पीसी हुई हल, हल्दी धनिया और लहसुन अदरक और ज़ीरा ये सब एक एक चम्मच थे मसाला जो है वो कोफ़्ते का यानी कि सालन बनाने के लिए अब मैंने जो है वो कुकर में जो है वो दो कप पानी ले लिया था दो कप पानी लेने के बाद जो है वो इसमें मैंने प्याज़ शामिल कर दी थी नॉर्मल कटी हुई है प्याज और टमाटर शामिल कर दिए थे उसके बाद जो है मैंने सारे मसाले इसमें शामिल कर दिए थे बहुत मजे का है और बहुत ही इजी रेसिपी है आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें मेरे चैनल को अब जो है वो मैंने इसे सात मिनट के लिए जो है वो मैंने इसको आ, प्रेशर कुक प्रेशर लगा दिया था ताकि मसाला जो है बिल्कुल हल हो जाए और जब मसाला जब मैंने खोल के देखा तो यानी कि ज़बरदस्त सा हो गया था अब मम्मा ने जो है वो इसमें कोफ्ते शामिल कर दिए थे कोफ्ते आप लोगों ने एक साथ नहीं डालने एक एक कोफ्ते को ऐड करना है ताकि ये टूटे नहीं और आप लोगों ने जो है वो ये चम्मच से नहीं चलाने स्टार्टिंग में किसी कपड़े से लेकर और हांडी को जो है वो पतीले को जो है वो गोल घुमाना है ऐसे आराम से ताकि कोफ्ते जो हैं टूटे नहीं चम्मच से आपने चम्मच से नहीं चलाना इसको अब जो है वो मैंने इसमें दो दो चम्मच जो है वो इसमें मैंने घी शामिल किया था आज मैंने घी शामिल किया था ऑयल नहीं यूज़ किया था और अब जो है वो कोफ्ते मेरे पक चुके थे तो मैंने अब चम्मच से चलाया था माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक आ रहा था कोफ्तों का सालन का ओके जी आप कोफ्तों का फ़ाइनल लुक देख सकते हैं बहुत यमी और माशाल्लाह बहुत खुशबू आ रही थी आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो थम्सअप दें ओके जी मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में ठीक यू अल्लाह हाफिज़